આજે છે પાટણનો 1275મો સ્થાપના દિવસ। ઐતિહાસિક પાટણના ભવ્ય ઇતિહાસને ઉજાગર કરતી નીકળી શોભાયાત્રા। તો વિવિધ સંસ્થાઓના ટેબ્લોઝ દ્વારા અપાયો જાગૃતિનો સંદેશ। राजपूत युवा संघ द्वारा स्थापना दिन निमित्ते योजायो वीरांजलि कार्यक्रम। राजपूत कन्याओए तलवार दाव रजू करी सौ कोईने कर्या मंत्रमुग्ध। तो गौरववंती भारत भूमिना महान सम्राट कुमारपाल सोलंकीना इतिहासनी थीम पर योजायो वीरांजलि कार्यक्रम। शहरना काजीवाड़ा विस्तार में हजरत मामू भाणेजनो उजवायो उर्स मुबारक। हुसैन मिया सैयदना निवास स्थाने थी निकळ्यो संदर शरीफ। तो हिंदू मुस्लिम भाई बहनों कौमी एकता थी उर्स मुबारक उजवता थया कौमी एकता ना दर्शन। नमस्कार दर्शक मित्रों, पीटीएन न्यूज में आप सर्वेनु स्वागत है। हूँ छू पार्थिव जोशी और हवे जोईशु आजना समाचार विगतवार। ऐतिहासिक नगरी और गुजरातनी प्राचीन राजधानी एवा अणहिलपुर पाटणनो आजे 1275मो स्थापना दिवस है, जेनी पाटणमां अनेकविध कार्यक्रमोनी भरमार वच्चे भव्याति भव्य उजवणी थई हती। पाटण नगरपालिका, स्वैच्छिक संस्थाओं, कमिश्नरश्री, युवक सेवा और सांस्कृतिक प्रवृत्तिओ, गांधीनगर अने जिला वहीवटी तंत्र, व्यापारी महामंडलों, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओना संयुक्त प्रयास थी आज बपोरे नगरदेवी एवं कालका माताजीना मंदिर खाते थी स्थापना दिन निमित्ते भव्य शोभायात्रा निकली हती। ते पूर्वे नगरदेवी कालका माताजीना पूजा अर्चना कर्या बाद तेओनी आरती उतारीने शोभायात्राने प्रस्थान करावामां आव्युं हतुं। तो भव्य शोभायात्रानुं प्रस्थान उपस्थित महानुभावोना हस्ते लीली झंडी आपी कराव्युं हतुं। तो आ प्रसंगे नगरपालिकाना सत्ताधीशो, जुदी जुदी संस्थाओना प्रतिनिधिओ अने राजपूत समाजना राजवीओ तथा राजकीय अने बिन राजकीय महानुभावो उपस्थित रह्या हता। त्यारे पाटणना 1275 स्थापना दिननी भव्य शोभायात्रा नगरदेवी कालका माताजीना मंदिर खातेथी प्रस्थान पामेल। आ शोभायात्रामां निशान, डंको, फायर ब्रिगेडना बुलेटो बेंड, राजपूत समाजना घोड़ेसवार युवानो, साफाधारीओ तेमज जुदी जुदी संस्थाओ અને શાળાઓની વિભિન્ન થીમ આધારિત ઝાંખીઓની સાથે સિદ્ધરાજ જયસિંહની છબી અને પાલિકાના સ્વચ્છતાના ટેબ્લોઝ દ્વારા સ્વચ્છતાનો સંદેશ અપાયો હતો। તો વળી વિવિધ વેશભૂષા આ યાત્રામાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી। જ્યારે શોભાયાત્રાના રસાલામાં સમાવિષ્ટ બગીઓમાં વિવિધ રાજપૂત સમાજના મહાનુભાવો, પાલિકાના કોર્પોરેટરો અને રાજવીઓ બિરાજમાન થયા હતા। તો કાળકા માતાજીના મંદિર ખાતેથી પ્રસ્થાન પામ્યા બાદ આ શોભાયાત્રા શહેરના મુખ્ય બજાર માર્ગ પર થઈને बगवाड़ा दरवाजा खाते पहुंची कार्यक्रमना स्वरूपमां फेरवाई हती, ज्यां सिद्धराज जयसिंहने माल्यार्पण करी कार्यक्रमने शरू करायो हतो। तो पाटण नगरपालिकानी ताजेतरमां योजायेली चूंटणीमां भाजपना चूंटायेला 38 उमेदवारो नगरपालिका खातेथी साफामां सज्ज थई पाटणना स्थापना दिननी शोभायात्रामां जोडाता आकर्षणनुं केन्द्र बन्या हता। पाटण नगरना 1275 स्थापना दिन निमित्ते आजे अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ पाटण स्थापना दिन उजवणी समिति और नगरपालिकाना संयुक्त उपक्रमे कालिका मंदिर थी प्रगति मैदान सुधीनी आ शोभायात्रा निकली है, जेने शहरना मुख्य मार्गों पर व्यापारी मंडलों, नगरजनों तथा अन्य नागरिकों तरफथी एनु अभिवादन करवामां आवी रह्युं छे। लोको खूब ज रंगे चंगे आ नगर यात्रा में उल्लासपूर्वक जोड़ाई रह्या छे। प्रगति मैदान में आ नगर यात्रानो समारोह थशे। ऐतिहासिक नगरी पाटण शहरना 1275 स्थापना दिननी उजवणीना उपलक्ष्यमां સ્થાપના દિનની પૂર્વ સંધ્યાએ પાટણ શહેરના આઝાદ ચોકમાં પંચાસરા જૈન મંદિર પાસે આવેલ ત્રિસ્તુતિક જૈન ઉપાશ્રયની બહાર સ્થાપના દિનને લઈને 1275 જેટલા દીવડાઓને પ્રજ્વલિત કરવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જૈનાચાર્ય શીલગુણ સુરેશ્વરજી મહારાજ, જૈનાચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ તેમજ મહારાજા વનરાજ ચાવડા, મહારાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને મહારાજા કુમારપાળના ફોટાની સ્થાપના કરી ફૂલોની રંગોળી સહિત સજાવટ કરવામાં આવી હતી અને સંધ્યા સમયે પાટણ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર સહિત અનેક શ્રેષ્ઠીઓ અને અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહીને દીપ પ્રાગટ્ય કર્યા બાદ લોકોને દર્શનાર્થે પ્રદર્શન ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન ત્રિસ્તુતિક જૈન ઉપાશ્રય દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે પાટણ નગરના સ્થાપના દિનની ઉજવણી સમિતિના કન્વીનર મદાન સિંહ ગોહિલે ચાલુ સાલે પાટણના સ્થાપના દિનની ઉજવણી સપ્તરંગી ઉજવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હોવાથી સ્થાપના દિનની પૂર્વે સંધ્યાએ ત્રિસ્તુતિક જૈન સંઘ દ્વારા 1275 જેટલા દીવડાઓ પ્રજ્વલિત કરી સુશોભન કરવામાં આવ્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું. ઐતિહાસિક નગર પાટણના 1275માં સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સાપ્તાહિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું. તે પૈકીના આજે છઠ્ઠા દિવસે ત્રિસ્તુતિક જૈન સંઘ દ્વારા 1275 દીવાઓને દીપ પ્રાગટ્ય અને સુશોભનનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે. આવતીકાલે પાટણનો 1275મો જન્મદિવસ છે, તો સૌ નગરજનોને એ વિશે જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ અને પાટણના સૌ આપણે સાથે મળી અને પાટણની ભવ્ય ઇતિહાસને આપણે ઉજાગર કરીએ, પાટણની પ્રભુતાને હતી એવી પાછી લાવવા માટેના આપણે સૌ સાથે મળીને પ્રયત્ન. तो धीरूभाई शाहे त्रिस्तुतिक जैन संघ खाते रजवाड़ाओना वंशजों पधार्या होवाथी तेओने भावविभोर बनी गया होवानुं जणावी पाटणनी प्रभुता कायम अमर रहे तेवा आशीर्वाद आप्या होवानुं पण जणाव्युं हतुं. 1275मां उजवणीना दिने अमारा अत्रे बिराजमान पूज्य गुरुदेव चारित्र रत्न विजय महाराज साहेबे पण खूब खोबले खोबले आशीर्वाद आप्या छे अने आ उजवणी दिन प्रतिदिन खूब उमरकाभेर आगळ वधे अने जे उत्साह छे ए कायमी टकी रहे एवा अंतरना आशीर्वाद आप्या छे अने बधा जे वंशज राजवी कुटुंबना जे बधा वंशजो अत्रे पधार्या छे चावड़ा वाघेला गोहिल आ बधा परिवारोने जोईने महाराज साहेब एटला बधा हरखमां आवी गया के खरेखर आ राजवीओ अत्रे पधार्या छे अने अमे बधा धन्य बन्या छीए एटले मनी प्रभुताओ छे अने आ उत्साह पण दिन प्रतिदिन खूब आगळ वधशे एवी सौने भावना. ऐतिहासिक नगरी पाटणना 1275मां स्थापना दिननी उजवणीना भागरूपे भव्याति भव्य रीते पाटण नगरपालिका द्वारा स्थापना दिननी पूर्व संध्याए पाटणना 5 ऐतिहासिक दरवाजा रोशनीथी सुशोभित करवामां आव्या हता, जेथी आ तमाम दरवाजा उपर रोशनी करवामां आवी हती अने आ दरवाजाने पाटणना 5 डेकोरेटरने स्वखर्चे शणगारवा माटेनी कामगीरी करनार डेकोरेटरने पालिका तंत्र द्वारा प्रमाणपत्रों पण एनायत करवामां आववानुं पाटण नगरपालिकाना चीफ ऑफिसर પાંચાભાઈ માળીએ જણાવ્યું હતું. ऐतिहासिक पाटण नगरनो आजे 1275मां स्थापना दिननी उजवणी निमित्ते अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ पाटण जिल्ला द्वारा कालका मंदिरनी समीपमां भव्य वीरांजलि कार्यक्रमनुं आयोजन थयुं हतुं, जेमां दीप प्रागट्य करीने उपस्थित महानुभावोए कार्यक्रमने खुल्लो मूक्यो हतो. त्यारबाद राजपूत राजवीओने पुष्पांजलि अर्पण करी तेओने वीरांजलिने याद करीने तो उपस्थित महानुभावोनुं भारतीय संस्कृति प्रमाणे कुमकुम तिलक बूके अने साल द्वारा सन्मान करवामां आव्युं हतुं. तो आ कार्यक्रममां विशिष्ट व्यक्तिओनुं पण सन्मान करवामां आव्युं हतुं. तो चालू साले वीरांजलि कार्यक्रम गौरववंती भारत भूमिना महान सम्राट कुमारपाल सोलंकीना इतिहासनी थीम उपर योजी तेओनी सम्राट कुमारपालनी विशेष हकीकत उजागर करवानो प्रयास गुजरात राजपूत युवा संघ द्वारा करवामां आव्यो हतो. तो मोटी संख्यामां समाजना लोको वीरांजलि कार्यक्रममां उपस्थित रह्या हता. तो आ प्रसंगे जीआईडीसीना चेरमेन बळवंतसिंहजी राजपूते पाटणना इतिहासने उजागर करवा कार्यक्रम करवामां आवे छे તે યુવા પેઢીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ નીવડવાનું જણાવી કાર્યક્રમને અનુલક્ષીને પોતાના પ્રતિભાવો વ્યક્ત કર્યા હતા. આજે આનંદનો દિવસ છે. આજે રાજપૂત યુવા સંઘે સમગ્ર સમાજને એકત્રિત કરી છેલ્લા 20 વર્ષથી પાટણ સ્થાપના દિનની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. તેની સાથે સાથે सरकार पण अनेक कार्यक्रमों आज करी रही है। साजे पण डायराना स्वरूप में बीजा स्वरूप में पाटणना पण तमाम समाजना लोको आमां जोड़ीने पाटण स्थापना दिन की जो उजवणी थाय छे ते आपणा सौ माटे गौरवनी वात छे। गौरव एटला माटे थाय के पाटण भूतकाळनी अंदर पण आजथी 10मी सदी में आखा विश्वनी 10 महानगर नगर जे कहवाता एमां पाटण एक हतुं, 10मुं स्थान धरावतुं हतुं। त्यारे पाटणनी जनसंख्या 1 लाख थी एवी आपणे वीके में तमे कदाचन वाँचो तो एनी अंदर पर तमने प्रत्यक्ष रीते जोवा मळशे। आवी अद्भुत नगरीनुं ज्यारे स्थापना दिन होय त्यारे आपणे बधा ज साथे मळीने खरेखर उजवता होईए। एमां दरेकनो सहयोग रहे छे। एमां राजपूत समाज अने बहनोए आमां केम करीने आ स्थापना दिननी अंदर जे भव्य भूतकाळ हतो ए भूतकाळनी अंदर एमां आपणे केवी रीते योगदान आपी शकीए एना माटेनी पण काम करे छे। ए बदल खूब खूब हूँ दिल थी एमनो आभार मानु छूँ। आप सौनो सहयोग बने छे ए बदल पण आपनो आभार। भारत माता की जय। तो निजानंद बापू वीरांजली कार्यक्रम में खास आशीर्वचन पाठववा उपस्थित रह्या हता। तो तेओए पोतानी आगवी शैली में कई आ रीते पोताना आशीर्वचन पाठवता पाटणनी प्रभुता ने हर हमेश उजागर राखवा आह्वान कर्युं हतुं। इजिप्तनी संस्कृति अने एना भव्य पिरामिडो खूब प्रबल शासको रह्या हशे त्यारे एवडा मोटा पिरामिडो बनाया हशे। चोटीलाना डोंगरा जेवड़ा पिरामिड आज आखी दुनियानी जे अजायबीओ छे प्रवासीओ जाय छे। वर्ल्ड हेरिटेजनी जे टोचनी साइटों में जो कोई प्रथम स्थान भोगवतुं होय तो इजिप्तना पिरामिडो भोगव्यो। पण पिरामिडो बनावनारी संस्कृति न बची अने पिरामिडो बनावनारी प्रजा न। इंका नामनी संस्कृति नष्ट थई एने बनावनारी प्रजा अने एने एना शासकोनो कोई न बच्युं। एंटीक नामनी एक संस्कृति थई एना परथी तो अंग्रेजी में नाम आव्युं के सुंदर में सुंदर कोई कलात्मक नमूनो होय तेने एंटीक पीस शब्द वपराय। एने बनावनारा एना शासकोए हता, ए नगरोए हता, ए प्रजा तेना शासकोए। मय संस्कृति, बेबोलियन संस्कृति, मेसोपोटेमिया संस्कृति। जी मारू नाम डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा है। विक्रम संवत 802 में वनराज चावड़ाए जो महानगरी पाटण की स्थापना करी थी 1275 में स्थापना दिवस आज उजी रहा है। पाटण एक एवं साम्राज्य की पाटनगरी थी। पाटण एटले पाटनगर अनिलपुर एनु नाम हतुं। ने भारत का 50% हिंदुस्तान पर जेनु साम्राज्य हतुं जेने कोई हरावी नहोतुं शक्युं एवा सीरीज ऑफ राजाओनी आ नगरी हती। ने एमां आ वर्षे जो कुमारपाल सम्राट कुमारपाल है ये खास याद कर्या है। ये समग्र 50% हिंदुस्तान पर साम्राज्य हतुं जेमां जीव हिस्सा बंद करवामां जे पशु हिस्सा थती थी एनी जग्याए नारियेळ वधारवा ने सोपारी राखवी करोड़ों जीवों बचावमां जेने योगदान कर्युं हतुं। सोमनाथ मंदिरो जेने जीर्णोद्धार कर्यो हतो तो महान सम्राट कुमारपाल ने आ वखते खास याद करी अने आ पाटण स्थापना दिवसनी उजवणी करी रह्या छे। एमां पाटणना ने नगरजनों है ये तो एवं नसीबदार है कि 50% हिंदुस्तान दिल्ली ज हतुं। पाटण है साम्राज्य अत्यारे हिंदुस्तान में कोई एवं सिद्धराज जयसिंह कुमारपाल वखते एने कोई हरावी नहोतुं शक्युं समग्र भारत में। एवा एक महानगर जे साम्राज्यनु महान साम्राज्यनी पाटण ये एनी पाटनगरी हती एटले ए गौरव हमेशा बरकरार रहे अने प्रजाजनों भव्य भूतकाळने याद करे अने जे वीर पुरुषो हता एने याद करे। ए गुजरात है कोई बिचारू नतुं दाळ भातियुं नतुं। गुजरात एटले सौथी महान साम्राज्य हतुं अने एमां अत्यारे जे महाराष्ट्र है सिंध है एमपी है राजस्थान है बधाई पर गुजरात साम्राज्य हतुं पण साउथ पर कुमारपाल अने सिद्धराज वखते साउथ इंडिया पर आवी छे एटले एवा महानगरीने याद माटे आप सौनो सहयोग मळे छे। आपने धन्यवाद। पाटण नगरीनो 1275मो स्थापना दिवस महावत 7 ने 5मी मार्चना रोज गौरववंती भारत भूमिना महान सम्राट कुमारपाल सोलंकीना इतिहासनी थीम पर जूनी शिशु मंदिर शाळा खाते योजायो हतो। जेना भागरूपे अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ द्वारा 20मा स्थापना दिननी उजवणी करवामां आवी हती। आ कार्यक्रममां राजपूत समाजनी 150 राजपूत बा दीकरीओ द्वारा भव्य तलवार रास रजू करवामां आव्यो हतो अने पोताना परंपरागत वेशभूषामां दीकरी बाओए तलवार रास रजू करी उपस्थित महानुभावों मेहमानों सहित लोगों ने मंत्रमुग्ध करी दीधा हता। तो आओ जोईए दीकरी बाओ द्वारा रजू करवामां आवेल तलवार रास। तलवार पूरती वात नथी તલવારની સાથે સાથે દીકરીઓ કલમની ક્ષેત્રે પણ પ્રગતિ કરી છે। એવી જ રીતના રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજના દીકરાઓ ક્ષત્રિય ધર્મને નિભાવી અને દુર્બળ, ગરીબ અને નાના તબક્કાના લોકો માટે લડાઈ લડે, પછી તે તલવારથી લડે કે કલમથી લડે, એ કહેવાનું મારો તાત્પર્ય હતો। દીકરીઓ પોતાના ક્ષેત્રમાં ખૂબ કાઠું કાઢ્યું છે। ક્ષત્રિય સમાજના દીકરાઓ ક્યાંક ગેરમાર્ગે દોરાઈ ગયા છે, ક્યાંક તત્વોની સાથે ભળી અને ક્ષત્રિય ધર્મને નુકસાન થાય એ રીતની પ્રવૃત્તિઓ પણ ક્યાંક કરી રહ્યા છે, જે ખરેખર ક્ષત્રિય યુવાનોને શોભતું નથી, એ મારો કહેવાનો તાત્પર્ય હતો। અમારી દીકરીઓ ગુણિયલ છે અને દીકરાઓ પણ પોતાના ગુણોને ઉજાગર કરે, જે જીન્સની અંદર રહેલી તાકાત છે એને ઉજાગર કરે, એવો કહેવાનો મારો ભાવાર્થ હતો। पाटण शहरना 1275 में स्थापना दिन उपलक्ष्य में पाटण शहर की विविध शाला कॉलेजों में अभ्यास करता विद्यार्थी द्वारा तैयार करायेला चित्रों एक प्रदर्शन प्रगति मैदान खाते राखवामां आव्युं हतुं। आ प्रदर्शन सवारे 10 थी सांजे 6 वाग्या सुधी युवा चित्रकारों और कलाकारों तैयार करेला चित्रों कला प्रदर्शन और वेचाण एक्जिबिशन कम सेल राखवामां आवता सेनेट सभ्य स्नेहल पटेल सहित लालेश ठक्कर और नगरपालिकाना चीफ ऑफिसरे आ एक्जिबिशन ने निहाळी कलाकारों की कदर करी तेओने प्रोत्साहित कर्या हता। અને આગામી સમયમાં આ એક્ઝિબિશન મોટા પ્રમાણમાં થાય અને યુવા ચિત્રકારોને એક પ્લેટફોર્મ મળી રહે તેવું સુંદર આયોજન કરવાની પણ વિચારણા કરવામાં આવી હતી। આ એક્ઝિબિશન કમ સેલના પ્રદર્શનમાં ડૂડલ આર્ટ, મંડાલા આર્ટ, લાઇન આર્ટ સહિત ક્રિએટિવ આર્ટ જેવા ચિત્રોનું નિદર્શન રાખવામાં આવ્યું હોવાનું विधि प्रजापतिए जणाव्युं हतुं। टीएसआर कॉमर्स कॉलेज में एफआई बीकॉम में छूँ। घणा बधा एवा स्टूडंट्स होय छे के जेमने पोतानी अंदर कला रहेली होय छे, परंतु तेओ ए कला ने बहार नथी निकाळी शकता। तो आज घणा एवा सर अने टीचर्सना मददथी अमे आज आ एक्जिबिशन करी शक्या छीए अने पाटणना स्थापित दिवसे आ एक्जिबिशन अमारुं करवामां आव्युं छे, तेनी अमने खूब ज खुशी थाय छे अने बीजा बी आगळ आम कार्यक्रमो रहे, जेथी अमारी भी कला ने वधारे विकसावी सके अने अमने वधारे आगळ जवानो मौको। डूडल आर्ट छे, मंडाला आर्ट छे अने वॉटर कलर पेंटिंग्स, डॉटलिंग वर्क, ऑल आर्ट अवेलेबल छे। तो आर्ट्स कॉलेजना प्रोफेसर आशुतोष पाठके पण एक्जिबिशन कम सेलना प्रदर्शन ने लई कई आ रीते पोताना प्रतिभाव व्यक्त कर्या हता। आज पाटणनो 1275 मो स्थापना दिवस छे અને એ ઉપક્રમે અમને એક એવો વિચાર આવ્યો કે પાટણની જ કલાને ઉજાગર કરીએ અને પાટણની પ્રભુતાને ઉજાગર કરીએ। એમાં એક વિચાર આવ્યો કે પાટણના કલાકારો જે છે એમને કંઈક પ્લેટફોર્મ મળવું જોઈએ। તો પાટણના સંગીતના કલાકારો છે એમને તો આય દિન કોઈને કોઈ પ્લેટફોર્મ મળતું જ હોય છે, પણ જે ફાઇન આર્ટ્સ છે કે જેમાં ચિત્રકલા છે અને અલગ અલગ પ્રકારની ચિત્રકલા છે, એ પાટણના જે કલાકારો છે એમને કંઈક પ્લેટફોર્મ મળવું જોઈએ। એટલે એ વિચારથી અમે ક્યાંક આગળ વધ્યા અને એમાં हमने जो कहवाय कि पाटणना बधा युवान कलाकारों खास करीने शाला कॉलेज में भणता कलाकारों ए लोकोए अमारो संपर्क कर्यो अने एमना चित्रकलाओ अमने देखाड़ी अने ए जोईने एवो विचार्यो के आनुं प्रदर्शन स्थापना दिवसे ज थाय तो वधारे सारुं रहेशे अने ए करता अमे आ आयोजनने थोडुं आगळ लीधुं, जेमां अमने लालेशभाई ठक्कर, स्नेहलभाई पटेल ए बधानो घणो साथ सहकार रह्यो अने आर्ट्स कॉलेज पाटणे आ एक कार्यक्रम आगळ धपायो। અને એમ કરતાં કરતાં બે વિદ્યાર્થીઓ શરૂઆતમાં આવેલા, પણ આજની પોઝિશન એવી છે કે 10 વિદ્યાર્થીઓ પોતાની કલાકૃતિઓ લઈને આવ્યા। ક્યાંક અમુક વિદ્યાર્થીઓને એવું છે કે એમને ખબર જ નથી એટલે એ નથી લેવી શક્યા, પણ ભવિષ્યમાં એવો એક વિચાર અને એક સૂચન અમને લાલેશભાઈ અને સ્નેહલભાઈ તરફથી મળ્યું કે આપણે લાઈવ પેઇન્ટિંગનું કરીએ અને આ બધા કલાકારોને એક મોટું પ્લેટફોર્મ આપીએ, તો જેથી કરીને પાટણના ચિત્રો, પાટણનું પ્રદર્શન થોડું આગળ વધે અને દેશ વિદેશમાં એનો વ્યાપ થાય। पाटण नगरपालिकानी 11 वोर्डनी 44 बैठकोनी चूंटणीओ ताजेतरमां योजाई हती, जेमां पाटणना मतदाताओए भारतीय जनता पार्टीना विकास पर विश्वास मूकीने खोबले खोबले मत आपी भाजपना 38 जेटला उमेदवारोने जंगी बहुमतीथी जीताडी पालिकामां सत्ताना स्थाने बेसाड्या छे। त्यारे पाटण शहरना भाजप प्रमुख किशोरभाई महेश्वरीए पाटणनी जनताए भाजपना कमळ अने तेना उमेदवारो पर विश्वास मूकीने 44मांथी 38 उमेदवारोने जंगी बहुमतीथी जीताडवा बदल तेओनो आभार व्यक्त कर्यो हतो अने जंगी बहुमतीथी जीताड्या बाद भाजपना आगेवानोनी जवाबदारी शहेरीजनोए वधारी होवाथी तेओनी जरूरियातो पूरी करवा पाटणना विकासमां सहभागी थवा विश्वास व्यक्त कर्यो हतो। ताजेतरमां स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणी एटले नगरपालिकानी चूंटणीमां भारतीय जनता पार्टी 44 उम्मीदवार में पाटणना नगरजनोए मतदारोए 38 उम्मीदवारों ने जीताड़ी और भाजपना कमर पर अमरा उम्मीदवार पर जो विश्वास मूक्यो छे ए विश्वास माटे पाटणना 100 नगरजनों अमरा 100 सन्मान्य कार्यकर्ता भाईओ बहनों पेज समितिनी टीम आ 100नो अमे हृदयपूर्वक खूब खूब आभार मानीए छीए। आटली मोटी जंगी जीत अमने आपी छे ए जीत ए अमरा भारतीय जनता पार्टीना नेताओं पर जो विश्वास मूक्यो छे अमे आवनारा दिवसोमां अमारी जवाबदारी अनेक गणी वधी गई। आ जीतना हिसाबे आवनारा दिवसोमां पाटणनी नगरनी जनतानी પડખે ઊભા રહી અને વિકાસ માટેના કામોની અંદર અમે કશે પાછી પડી નહીં કરીએ અને પાટણના નગરજનોને જે જરૂરિયાત હશે બધી જરૂરિયાતો અમારા ઉમેદવારો અને અમારી ટીમ પૂરી કરશે। પાટણ શહેરના 1275માં સ્થાપના દિનને લઈને શહેરની વિવિધ સામાજિક અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ દ્વારા 7 દિવસ સુધી વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે સાપ્તાહિક સ્થાપના દિન લઈ સહસ્ત્ર તરુવન ખાતે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડીકે પારેખના વરદસ્તે 1275 વૃક્ષોનું વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના હસ્તે એક એક વૃક્ષારોપણ કર્યા બાદ વિવિધ સામાજિક અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના સહકારથી 1275 જેટલા વૃક્ષોનું વાવેતર સહસ્ત્ર તરુવન ખાતે કરી પાટણના 1275માં સ્થાપના દિનને યાદગાર બનાવવાનો પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો। આ પ્રસંગે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડીકે પારેખ સ્થાપના દિનને અનુલક્ષીને સહસ્ત્ર તરુવન ખાતે 1275 જેટલા વૃક્ષોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે તેને યાદગાર ગણાવી કંઈક આ રીતે પોતાના પ્રતિભાવો વ્યક્ત કર્યા હતા। ગુજરાતની પ્રાચીન રાજધાની એવી પાટણ એનો માસુદ સાતમના 1275મો જન્મદિવસ છે એના અંતર્ગત એક અઠવાડિયાના જુદા જુદા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। એ અંતર્ગત આજે 1275 વૃક્ષ વાવવાનો એક કાર્યક્રમ અત્રે કરવામાં આવેલો છે અને આ ખૂબ સુંદર જગ્યામાં આજે વૃક્ષારોપણથી આજના જે વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। भारत देशे महान सूफी संतोनी भूमि है। आ देशनी पवित्र भूमि ने लाखों सूफी संतोए पोतानी कर्मभूमि बनावी अहींनी पवित्र भूमि में ज दफन थया छे। तेओनो उद्देश्य मात्र देश में बुराई ना दूषण ने दूर करी सत्कार्यो करवा लोकोने प्रेरित करवा तेमज देश में एकता भाईचारो स्थापवा माटेनो ज हतो। आवा ज एक महान सूफी संतनी पाटण शहरना काजीवाड़ा विस्तार में हजरत मामू भाणेजनी दरगाह आवेली छे। तेओनो उर्ष मुबारक मुस्लिम चांद 19 रजबना दिने आवतो होवाथी आ विस्तारना हिंदू मुस्लिम भाई बहनों कोमी एकताथी आ सूफी संतनो उर्ष मुबारक हर्षोल्लासपूर्वक उजवता होवाथी कोमी एकताना दर्शन पण थता होय छे। त्यारे गतरोज मुस्लिम चांद 19 रजब होवाथी हजरत मामू भाणेजनो स्थानिक लोको द्वारा उर्ष मुबारक उजवायो हतो। त्यारे भूराभाई सैयदना निवास स्थानेथी संदल शरीफ काढवामां आव्यो हतो। आ संदल शरीफमां हजरत मामू भाणेजनी दरगाह पर चढ़ावा माटे दरगाहना ग्लेफ अने चादरों सहित गुलाब अने फूलोनी चादरों ने लईने दरगाह खाते आव्या हता। तो वर्षोथी आ महान सूफी संतनी दरगाह पर देखरेख राखता पाटण जिल्ला कांग्रेस माइनोरिटी डिपार्टमेंटना चेरमेन अने मुस्लिम समाजना अग्रणी एवा हुसैन मिया सैयद द्वारा हजरत मामू भाणेजनी दरगाह पर चादर चढ़ावी अने कुराननु पठन करी आवा महान सूफी संतने आदर्श बनावी समग्र देशना देश बांधवों अने एकता भाईचारानी भावनाने प्रज्वलित करवा अपील कराई हती अने देश में एकता भाईचारो जळवाई रहे अने मानवताना पंथे आगळ वधीने देशने जगत जमादार बनवामां आगळ वधीए ते माटे दुआ करवामां आवी हती। आ समये भूराभाईनी साथे आरिफ बापू कादरभाई कादरी यासीन मिर्जा अमीर मियाँ फारूकी अने अकीदत मंदोनी मोटी संख्या में हाजर रह्या हता। तो उर्स मुबारक ने लईने आ विस्तार में मेळो पण भरायो हतो। आ मेळामां मनोरंजनना साधनों सहित खाणीपीणीनी लारीओ लागता स्थानिक लोकोए मनोरंजनना साधनों सहित खाणीपीणीनी जयाफत उड़ावी हती। पाटण शहर एक ऐतिहासिक शहर है और पाटण शहर की धरती ऐतिहासिक धरती है। विविध धर्मोना और संप्रदायों सूफी संतों ए पाटण ने धरती ने पोतानी कर्मभूमि बनावी है और अहीं ज पोतानी कर्मभूमि बनावीने दफन थया है। मात्र ने मात्र तेओनो एक ज हेतु हतो के मानवताने समग्र विश्वमां प्रसारवी। आजे आपणे जोईए छे के वेर झेर द्वेषभाव वाड़ामंदी धर्मना नामे आजे जे लड़ाईओ छे एने जे मिटाववा माटे आ सूफी संतो छे दरेक समाजना विविध संप्रदायना सूफी संतो छे एमणे पोताने कार्य कर्युं छे अने कार्य करीने पाटणनी धरतीने ऐतिहासिक धरतीने पोतानी कर्मभूमि बनावी अने आ देशना पाटण शहेरनी धरतीमां दफन थया छे। तेवा ज एक महान सूफी संत हजरत मामू भाणेज रमतुलाले गाजीवाड़ामां आवेल जेओनी मजार छे तेओना आज उच्च प्रसंगे आज अहींना देखरेख करता जो मुस्लिम समाजना अग्रणी है और पाटण जिला कांग्रेस माइनोरिटी डिपार्टमेंटना चेरमेन हुसैन मिया सैयद जो अपना भूराभाईना हुलामना नामथी ओळखाय छे तेओ आज खूब सुंदर आयोजन कर्युं छे। तेओना उस प्रसंगे आज अमे सौए तेओने अकीदत पेश करी है, तेमने चादर पेश करी है और समग्र विश्व माटे समग्र मानवजात माटे दुआ करी है, प्रार्थना करी है कि समग्र विश्व में मानवता महके मानवतानी सुवास रहे और धर्मनी वाड़ाबंदी में बहार आवीने आपणे सौ आ पाटण शहरने अपना भारत देश ने विश्वना फलक पर गतिमान करीए। समाचार पूर्ण करता पहला आजना मुख्य समाचार पर फरी एक नजर। आजे छे पाटणनो 1275मो स्थापना दिवस। ऐतिहासिक पाटणना भव्य इतिहास ने उजागर करती निकली शोभा यात्रा। तो विविध संस्थाओं ना टेब्लोज द्वारा अपायो जागृति नो संदेश। राजपूत युवा संघ द्वारा स्थापना दिन निमित्ते योजायो वीरांजलि कार्यक्रम। राजपूत कन्याओं तलवार दाव रजू करी सौ कोई ने कर्या मंत्रमुग्ध। तो गौरववंती भारत भूमिना महान सम्राट कुमारपाल सोलंकीना इतिहासनी थीम पर योजायो वीरांजलि कार्यक्रम। शहरना काजीवाड़ा विस्तार में हजरत मामू भाणेजनो उजवायो उर्स मुबारक। हुसैन मिया सैयदना निवास स्थाने थी निकळ्यो संदल शरीफ। तो हिंदू मुस्लिम भाई बहनों एक कौमी एकता थी उर्स मुबारक उजवता थया कौमी एकता ना दर्शन। तो आ साथे आपनो समाचार बुलेटिन समाप्त करिए छे। मने रजा आपशो। धन्यवाद।